सो हे गाइस, क्या चाल रहा है भाई। तो आज हम लोग फिर से एक बार खेल रहे हैं GTA 5, और आज हम लोग फिर से एक बार आ चुके हैं माइकल के साथ। बाकी यार, आज का वीडियो ना बहुत ही मस्त होने वाला है, क्योंकि माइकल आज फाइनली एक सुपर कार लेने वाला है। तो बहुत टाइम से यार अपना माइकल एक सुपर कार लेने की सोच रहा था, पर इसके पास पैसे नहीं हो रहे थे, क्योंकि सुपर कार ना बहुत ज़्यादा महंगी आती है। पर अभी मेरे पास लेस्टर का कॉल आया, और लेस्टर बता रहे हैं कि यार जो हम लोगों ने मार्टिन मद्रासो की सुपर कार चोरी की थी, अभी वो उसने सेल कर दिया और उसको काफ़ी पैसे मिले थे। पर हम लोगों ने पैसे तीन हिस्सों में बांटे, एक हिस्सा माइकल को मिला है, एक लेस्टर ने रखा और एक ड्राइवर को दिया है, क्योंकि यार गाड़ी चोरी करने में ड्राइवर ने भी हमारी काफ़ी ज़्यादा हेल्प की थी। और अभी अपने माइकल पे काफ़ी पैसे हो गए हैं, इतने पैसों में एक बढ़िया सी सुपर कार तो आ ही जाएगी, चाहे वो लेम्बोर्गिनी हो, फरारी हो, बुगाटी हो, कोई भी गाड़ी हो। तो आज हम लोग फाइनली सीमोन के कार शोरूम पे जाएंगे और एक बढ़िया सी सुपर कार लेने वाले हैं। सो गाइस, बहुत ज़्यादा मजा आने वाला है, इसलिए वीडियो को पूरा देखना, वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को भी यार सब्सक्राइब करके, मतलब यार बेल आइकन प्रेस कर लो, क्योंकि मैं आप लोग के लिए यार ऐसी बढ़िया बढ़िया वीडियोस लेकर आता रहता हूँ। तो यार प्यार और सपोर्ट जरूर दिखाना, और हाँ वीडियो को पूरा देखा करो। बाकी यार जाते जाते क्यों ना यार करेले का जूस पी लिया जाए, मतलब यार माइकल की हेल्थ के लिए बढ़िया है। वैसे भी माइकल अब पूरे दिन में कुछ खाता पीता नहीं है, सिर्फ करेले का जूस ही पीता है। तो फटाफट से हम लोग यहाँ से निकलते हैं। बाकी यार आप लोग याद होगा पिछले वाले एपिसोड में FIB के हेड ने ना माइकल को मारने की कोशिश की थी, मतलब FIB के हेड ने ही नहीं, लॉस सांटोस की सारी फोर्स ने मारने की कोशिश की, पर माइकल को हाथ भी नहीं लगा पाए। माइकल और ड्राइवर ने सबकी बैंड बजा दी। तो अभी सबको समझ आ गया होगा कि यार माइकल से पंगा लेकर ना उन लोगों ने बड़ी गलती कर दी। और एक सेकेंड यार, अभी मैं यहाँ से जा रहा था और तुम लोग ये वाली गाड़ी की हालत देख रहे हो, माइकल की फैमिली कार की तो यार बैंड ही बज गई है, पर तुम लोग यहाँ देखो एक सस्ती रोल्स रॉयस खड़ी हुई है, चूँकि पूरी मॉडिफाई करा रखी है, तो क्यों ना इस गाड़ी को चोरी किया जाए। मैं सीमियन के कार शोरूम पे जा ही रहा हूँ, तो चल के मैं इसको आप बेच भी दूंगा, इसके मेरे को कुछ पैसे भी मिल जाएंगे। भाई देख रहे हो क्या बढ़िया गाड़ी है यार। तो फटाफट से हम लोग यहाँ से निकलते हैं, ये पक्का माइकल के पड़ोसी की गाड़ी होगी। पर माइकल को जब भी एक बढ़िया सी सुपर कार दिखती है, फिर बढ़िया सी कोई भी गाड़ी दिखती है ना, माइकल उसको चोरी कर ही लेता है। तो फटाफट से चलते हैं सीमियन के कार शोरूम पे, एक बढ़िया सी सुपर कार लेते हैं और इस गाड़ी को सेल भी कर देंगे। तो अभी हम लोग सीमियन के कार शोरूम पे पहुँचने वाले हैं। बाकी यार ये वाली गाड़ी ना यार काफ़ी ज़्यादा स्लिप हो रही है, मतलब भाग तो काफ़ी बढ़िया रही है, पर जब मैं इसमें ब्रेक लगा रहा हूँ ना भाई, गाड़ी में ब्रेक ही नहीं लग रहे। तुम लोग यहाँ देख रहे हो कहाँ मैंने ब्रेक लगाए थे और कहाँ जाके ब्रेक लगे हैं। तो एक काम करते हैं, फटाफट से गाड़ी को यहाँ खड़ा करते हैं और जल्दी से अंदर चलते हैं। और एक सेकंड गाइस, आज यहाँ पे कोई भी गाड़ी नज़र नहीं आ रही है, सारी गाड़ियाँ कहाँ गई, सेल हो गई या फिर यहाँ की सफाई चल रही है, मेरे को नहीं पता। सीमियन का है, मेरे को जल्दी से देखना पड़ेगा। एक सेकंड यार, ये वाला गेट तो लॉक ही रहता है हमेशा, मेरे को फटाफट से उसके ऑफिस में चल के देखना पड़ेगा, शायद वो ऑफिस में हो। ओके, यहाँ पे भी नहीं है, मेरे को नहीं पता सीमियन है कहाँ पे। एक काम करते हैं, फटाफट से उसको कॉल करते हैं एंड पता करते हैं वो कहाँ पे, और मेरे को जल्दी से गाड़ी बुक करनी है। तो अभी मेरी सीमियन से फ़ोन पे बात हो गई, और अभी मेरे को पता लगा है कि यार सीमियन तो एयरपोर्ट पे गया है काम से, और यहाँ पे जितनी भी गाड़ियाँ थी सारी की सारी गाड़ियाँ सेल हो गई है। तो मैंने सीमियन को बोला है कि यार मेरे को एक बढ़िया सी सुपर कार चाहिए, और पैसे की कोई कमी नहीं है, बस गाड़ी एकदम खतरनाक वाली हो। तो सीमियन बोल रहा है कि यार कुछ अभी उसके पास सुपर कार्स आने वाली है, तो माइकल थोड़ा सा इंतज़ार कर ले, मतलब लेम्बोर्गिनी, बुगाटी, कुछ और ब्रांड की भी सुपर कार आ रही है, माइकल को जो भी पसंद हो वो गाड़ी ले सकता है। बाकी यार इस वाली गाड़ी का प्राइस ही तभी लग जाएगा, पर इस गाड़ी को मेरे को पीछे के साइड जाके खड़ा करना है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। शायद सीमियन के स्टाफ वाले बंदे इस वाली गाड़ी का कलर वगैरह चेंज करेंगे, या फिर हो सकता है सेकंड हैंड मार्केट में इसको सेल भी कर दें। मेरे को बस गाड़ी को ले जाके पीछे के साइड खड़ा करना है। ओके बहुत सही, तो गाड़ी को मैं यहाँ लगा देता हूँ, हमारा काम हो चुका है। सीमियन बोल रहा है कि यार जैसे वो अपने कार शोरूम पे आएगा, जैसे यहाँ पे गाड़ी आएंगी वो मेरे को कॉल कर देगा। तो फटाफट से हम लोग यहाँ से निकलते हैं। बाकी यार देखो अभी ना माइकल का कोई भी काम नहीं है, बट फ्रैंकलिन के मेरे को काफ़ी सारे काम दिखाई दे रहे हैं, तो क्यों ना यार फ्रैंकलिन में स्विच होते हैं, जब तक चल के फ्रैंकलिन के काम करते हैं, फ्रैंकलिन भी उनसे पैसे वगैरह कमा लेगा, फिर फ्रैंकलिन को भी यार काफ़ी सारी चीज़ें लेनी है। तो अभी हम लोग आ चुके हैं फ्रैंकलिन के साथ, और यार देखो ड्राइवर और माइकल की ना मेरे को ज़्यादा काम नज़र नहीं आ रहे हैं, फ्रैंकलिन के पर बहुत सारे काम हैं। पर सबसे पहले फ्रैंकलिन को अपने घर पे जाना है, तो फ्रैंकलिन का घर कहाँ है यार, एक तो मेरे को घर ही नहीं मिलता इसका,
तो यहाँ कहीं पे इसका घर है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, पहुँच ही जाएंगे। तो फटाफट से पहले फ्रैंकल के घर पे चलते हैं और सेल के यार काम देखते हैं कि अभी आखिरकार हम लोग को काम क्या करना है। तो अभी हम लोग फ्रैंकलिन के घर पे आ चुके हैं, फटाफट से बाइक को यहाँ पे लगाते हैं और जल्दी से हम लोग अंदर के साइड चलते हैं और चल के अभी हम लोग को यहाँ पे इंतजार करना पड़ेगा। जैसे ही फ्रैंकलिन के पास कोई काम आता है, चल के हम लोग काम करते हैं। तो अभी फ्रैंकलिन यार घर पे आराम कर रहा था और अभी मेरे पास से लेस्टर का कॉल आया और लेस्टर ने मेरे को एक बहुत ही ज्यादा शॉकिंग बात बताई है। लेस्टर बता रहे हैं कि यार उसने लेमार को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट काम दिया था और बीच रास्ते से लेमार को किसी ने किडनैप कर लिया। फिर जब लेस्टर ने लेमार की लोकेशन को ट्रैक किया तब पता लगा है कि यार अमेरिकन गैंग वालों ने लेमार को किडनैप कर लिया है और जल्दी हम लोग को जाके लेमार को बचाना पड़ेगा, नहीं तो वो लोग लेमार को खत्म भी कर सकते हैं। तो मेरे को फटाफट से यहाँ से निकलना है और हाँ, मेरे को माइकल और ट्रेवर की हेल्प भी लेनी पड़ेगी। तुम लोग यहाँ देख रहे हो, अभी मैं लेस्टर को कॉल कर रहा हूँ और लेमार की जान बचाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि यार वो हमारा काफ़ी पुराना दोस्त है और वो हमारी काफ़ी हेल्प भी करते हैं और आजकल तो वो लेस्टर के साथ काम भी कर रहे हैं। तो फटाफट से मैं यहाँ से निकलता हूँ, लेस्टर माइकल और ट्रेवर को भी वहीं पे भेज देगा क्योंकि जो अमेरिकन गैंग वाले बंदे हैं ना वो बहुत ज़्यादा खतरनाक हैं और लेस्टर ने लेमार को कुछ इंपॉर्टेंट काम दिया था इसीलिए हम लोग को उसकी जान तो बचानी पड़ेगी। फटाफट से हम लोग यहाँ से सीधे उस लोकेशन पे चलते हैं। लेस्टर ने लोकेशन वगैरह सारी ट्रैक कर लिया है। लेस्टर बता रहा है जो उसकी लोकेशन दिखा रहा है ना वो वुडन फैक्ट्री की दिखा रहा है। एक सेकंड यार, ये क्या बढ़िया गाड़ी नजर आ रही है, इससे जाने में तो काफी ज्यादा जल्दी पहुंच जाएंगे। तो फटाफट से इस वाली गाड़ी को लेते हैं भाई, सुपर कार को भगाते हुए जाएंगे ना। देख रहे हो भाई, मॉडिफाई गाड़ी आजकल लॉस सैंटोस में काफी आ गई है और वो बंदा देखो मेरी वीडियो बना रहा है पुलिस को भेजने के लिए, फिर कोई दिक्कत की बात नहीं है। फटाफट से गाड़ी को भगाते हैं हाईवे पे, जो वुडन फैक्ट्री है मेरे को वहां पे जाना पड़ेगा। लेमार को उन लोगों ने वहीं पे रखा हुआ है, माइकल और ट्रेवर वहीं पे मेरे को मिलेंगे। जल्दी जल्दी से चल के यार लेमार की जान बचानी है, नहीं तो वो लोग लेमार को खत्म भी कर सकते हैं। तो अभी हम लोग वुडन फैक्ट्री में पहुंचने वाले हैं और मेरे को यहाँ पे थोड़ा संभल के रहना होगा क्योंकि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा गैंग के बंदे आ सकते हैं और अगर उन लोगों ने मेरे को देख लिया तो सीधे वो लेमार को गोली मार सकते हैं, इसीलिए पहले हम लोग को थोड़ा संभल के रहना है। और माइकल और ट्रेवर यहाँ पे पहुँच गए हूँ तो काफ़ी दिक्कत हो जाएगी। और तुम लोग यहाँ देख रहे हो भाई, माइकल और ट्रेवर दोनों यहाँ पे आ चुके हैं। ट्रेवर तो यहाँ पे बायनाकुलर लेकर आया और माइकल के पास एक स्नाइपर है। और यहाँ देखो ये माइकल और ट्रेवर यहाँ पे भी स्टार्ट हो गए, दोनों आपस में लड़ाई कर रहे हो भाई, हद है यार, ये दोनों नहीं मानने वाले। बाकी सामने के साइड गैंग के काफी ज्यादा बंदे नजर आ रहे हैं, इन लोगों ने लेमार को तो पकड़ा ही है, साथ में वो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट भी है जो लेस्टर ने मंगाए थे। तो लेमार की भी जान बचानी है और वो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट भी लेने हैं। और एक सेकंड गाइस, ये रहा लेमार सामने के साइड, फटाफट से इसकी जान बचानी पड़ेगी। और माइकल ये कहां पे जा रहा है यार, हमें आपस में नहीं लड़ना है भाई, एक टीम के तरह काम करना है। और ये दोनों देखो भाई, अपने खुद की लोग चलाते हैं। और अभी हम लोग आ चुके हैं ट्रेवर के साथ, कोई दिक्कत की बात नहीं है, मेरे पास भी स्नाइपर है, स्नाइपर से मैं बजाने वाला हूँ तेरी तो ऐसी की तैसी। एक सेकंड, मेरे को पहले मार्क पे जाना पड़ेगा, जो आगे मार्क नजर आ रहा है ना, पहले फटाफट से वहाँ ऊपर के साइड चलते हैं। ओके बहुत सही, तो पहले मेरे को एक पोजीशन लेनी पड़ेगी। तुम लोग वहाँ देख रहे हो, वहाँ तो माइकल जा रहा है, तो मैं एक काम करता हूँ थोड़ा आगे की साइड जाता हूँ, बस ये लोग मेरे को देख ना ले। एक काम करते हैं, ये वाली लोकेशन एकदम ठीक रहेगी। बहुत सही, तो अभी माइकल और ट्रेवर दोनों ने पोजीशन ले लिया है। तुम लोग ऊपर के साइड देख रहे हो, वहाँ पे माइकल खड़ा है, ट्रेवर भी वहीं पे है। तो अभी बाकी का काम मेरे को करना है, इसकी दो ऐसी की तैसी। एक सेकंड, बंदे हैं भाई, सारे बंदे कहाँ चले गए, सारे के सारे कवर में चले गए क्या, मेरे को थोड़ा आगे जाके देखना पड़ेगा। ट्रेवर तो यहाँ ऊपर के साइड खड़ा हुआ था ना, एक सेकंड, ये रहा ट्रेवर, तुम लोग देख रहे हो, ट्रेवर भी पोजीशन में आ चुका है, माइकल भी पोजीशन में है, मेरे को भी यहाँ पे पोजीशन लेनी पड़ेगी। तो अभी माइकल और ट्रेवर यहाँ पे अटैक करने जा रहे हैं और एक काम कर दो ना, सबसे पहले मैं ही अटैक करता हूँ, तेरी तो ऐसे की तैसी भाई, मैंने गोलियाँ बजाना स्टार्ट कर दिया है। और माइकल और ट्रेवर बाकी सबको संभालने के लिए को फटाफट से लेमार को बचाना है क्योंकि अभी अगर हम लोगों ने लेमार को नहीं बचाया तो लेमार की जान खतरे में आ सकती है और मेरे पास गोलियाँ ही नहीं आता है भाई, इसकी दो ऐसी की तैसी। आ जाओ बेटा सामने, जो भी आएगा ना वो मरने वाला, तेरी तो भाग के कहाँ आ रहा है, निकल यहाँ से, पिस्टल लेकर तुम्हें मारोगे, निकल तेरी तो ऐसी दसी। मुझे लगता है कि यार अभी हम लोग को ना माइकल में स्विच होना चाहिए क्योंकि माइकल के पास सारी गने
निकल गई तो ऐसी दसी। तो अभी मेरे को जाके जल्दी से जल्दी लिम्बार को बचाना पड़ेगा। यहाँ पे बहुत सारे बंदे और मेरे पास गोलियां खत्म हो गई यार। केवल ही गन से काम मेरा चल जाएगा। फटाफट से आगे की साइड चलते हैं, लिम्बार को ढूंढते हैं। माइकल और ट्रेवर सबको संभालेंगे क्योंकि वो स्नाइपर चला रहे। निकल टकले यहाँ से भाई। देख रहे हो गोलियां तो मेरे पास बहुत ज्यादा, मतलब गनों की मेरे पास कमी नहीं है, गन बहुत ज्यादा। और तुम लोग क्या, ट्रेवर भी यहाँ पे आ चुका है। ट्रेवर तू टेंशन ना ले, एक सेकंड इसकी तो ऐसी दसी। अभी मैं इसको सबक सिखाता हूँ, बस लिम्बार को गोली ना लग जाए। और ट्रेवर देखो अंधा तो गोली चला रहा है भाई। ट्रेवर को बंदा नजर भी नहीं आ रहा है, उसके बाद भी हवा में गोली चला रहा है यार। अपनी टीम तो खतरनाक है भाई, जिस पे भी अटैक करने को बोल दो डरती नहीं है, सीधे आ जाती। एक सेकंड गाइस, ये अमेरिकन गैंग वाले बंदे नहीं है, ये तो बिलास गैंग के बंदे हैं भाई। हमारे साथ इन लोगों ने धोखा किया, तुम्हारी तो ऐसी की तैसी भाई। बिलास गैंग ने लेमार को पकड़ा था, निकल यहाँ से। देखो जल्दी से लेमार को ढूंढना पड़ेगा। और गाइस लेमार मेरे को नजर आ रहा है, देखो जल्दी जल्दी से लेमार के पास। तेरी तो निकल यहाँ से टकले भाई, लेमार को बचाना पड़ेगा नहीं तो लेमार को खत्म कर देंगे। निकल यहाँ से भाई, बंदे देख रहे हो। ट्रैपर तू भी मार ले भाई, सबको मैं ही मारूंगा क्या। निकल यहाँ से, अभी तेरे को बताता हूँ मैं। लेमार यहाँ पे है ना भाई, लेमार को ये मार नहीं वाला था। वो तो अच्छा है कि मैं सही टाइम पे आ गया। लेमार तू ठीक है ना, जल्दी से खड़ा हो जा लेमार, फटाफट यहाँ से निकलना पड़ेगा। मैं काम करता हूँ लेमार को, बिना फटाफट से एक पिस्टल दे देता हूँ। लेमार जल्दी जल्दी उठ, जल्दी उठ। एक सेकंड, लेमार कर क्या रहा है? उठे तो लेमार ने उसकी गन ले लिया है। निकल यहाँ से। ट्रेवर देख रहे हो भाई, क्या खतरनाक बंदा है। ट्रेवर सीधे मेरे को कवर देने आ चुका। निकल यहाँ से, एक कैम लेने दो भाई। आजकल गनों में हो क्या गया? निकल यहाँ से, शॉर्ट गन लेनी पड़ेगी तेरी तो। निकल यहाँ से भाई, शॉटगन की रेंज भी काफ़ी ज़्यादा हो गई है। लेमार तू कहाँ पे है? लेमार को लेकर गई, यहाँ से निकलना पड़ेगा फटाफट। निकल 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 यहाँ से लेमार, जल्दी यहाँ से आ यार, भागना पड़ेगा हम लोग को। यहाँ रुक नहीं सकते हम लोग ज़्यादा देर, अगर रुके तो गड़बड़ी हो जाएगी। लेमार कहाँ पे है? तो भी मेरे को लेमार को लेकर यहाँ से निकलना पड़ेगा। अगर ज़्यादा देर हम लोग यहाँ पे रहे तो काफ़ी दिक्कत हो जाएगी। यहाँ पे बहुत सारे बंदे और तेरी तो अभी बता दो। निकल यहाँ से भाई, सीधे सर में गोली मारने वालों। लेमार जल्दी आ भाई, जल्दी, रुक नहीं सकते यहाँ पे। ट्रेवर माइकल फटाफट से आगे बढ़ते जाओ, मैं सब संभालूंगा तो टेंशन ना लो। निकल यहाँ से तेरी तो, निकल यहाँ से भाई। शॉटगन से उठ जा रहे हो, शॉटगन के छटकों से उठ जा रहे हो तुम। अभी तुम लोग को बताता हूँ, तेरी तो कहाँ ऊपर भाग रहा है, रुक यहाँ पे, भागेगा मेरे से। ट्रेवर फटाफट से इसको देख, ख़त्म कर जल्दी से जल्दी। एक सेकेंड नहीं, एक वो बंदा भी बचा हुआ है ना, ऊपर जाके मैं इसको ख़त्म करने वाला हूँ। ट्रेवर जल्दी से उस बंदे को मार। और गाइस तुम लोग यहाँ देख रहे हो, और भी गाड़ियाँ आ चुकी है बिलास गैंग की, पर कोई दिक्कत नहीं है, मैं एक को भी छोड़ने वाला नहीं हूँ। सबको बुरी तरीके से मारूंगा। और एक सेकंड, ये वाली गन मैं हाथ में ले लूँ। निकल यहाँ तेरी तो ऐसे, निकल यहाँ से भाई। तीन तीन शॉट गन मारनी पड़ रही है तब जाके बंदे मर रहे हैं। अभी भी खड़ा हो रहा है, निकल यहाँ से, अभी भी खड़ा हो रहा है बंदा। तेरी तो ऐसे, निकल यहाँ से। होगी तो अभी मेरे को लेमार के पास वापस आना पड़ेगा। लेमार को लेकर आना है, और ये अभी भी जिंदा है क्या? ये अभी नहीं जिंदा, अभी तो ये ख़त्म हो गया। ऊपर के साइड अभी एक बंदा रह गया है जो कि मैंने जिंदा छोड़ दिया था। लेमार कहाँ गया? लेमार को लेकर, अबे यार लेमार जल्दी आगे आ जा भाई, तेरे को गोटी से उठा के लाऊँ क्या? निकल यहाँ से, ये भी ख़त्म हो गया। लेमार कहाँ पे, मेरे को देखना पड़ेगा। एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, है कहाँ पे यार ये? ओके ये रहा ये रहा ये रहा। अबे जल्दी से निकलना है भाई यहाँ से, फटाफट भाग, यहाँ पे और बंदे आ सकते हैं। जल्दी 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 आ ले हमारे, फटाफट, रुकना नहीं है भाई, फटाफट से भाग। क्या एक काम करते हैं, इस वाली गाड़ी में बैठ जाते हैं, ये गाड़ी काफ़ी ज़्यादा सही लगी। ले हमारे जल्दी से गाड़ी में बैठ, उसके बाद जो सुपर कार है ना वहाँ पे खड़ी हुई, मैं सुपर कार में ले हमारे को बैठा लूँगा। बाकी माइकल और ट्रेवर तो अभी भी यहीं पर ही हैं, अगर रास्ते में कोई अटैक करेगा तो माइकल और ट्रेवर उसको देख लेंगे। ट्रेवर यहाँ पे किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ना है, जो भी आता है सबको ख़त्म कर देना। मैं फटाफट से यहाँ से निकलता हूँ। और यहाँ पे मैंने वो सुपर कार खड़ी करी थी ना, सुबह लेकर आया था, ये देखो अभी भी यहीं पे खड़ी हुई है। लेमार फटाफट से गाड़ी से उधर, इस वाली गाड़ी में बैठ, क्योंकि ये तो खटारा गाड़ी है, पर इससे हम लोग काफ़ी जल्दी पहुँच जाएंगे। तो फाइनली हम लोग ने लेमार की जान बचा लिया। बाकी माइकल और ट्रेवर वो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट ले लेंगे और लेस्टर को पहुँचा देंगे। बाकी फटाफट से मेरे को लेमार को लेकर यहाँ से निकलना पड़ेगा, और अभी मैं सीधे इसको घर पे लेकर जा रहा हूँ, क्योंकि लेमार की हालत काफ़ी ख़राब हो गई है। और तुम लोग यहाँ देख रहे हो यार,
यहीं से तो अभी मैं आया था और यहीं पे दोबारा वापस आ गया। तो अभी हम लोग लेमार को लेकर सिटी में आ चुके हैं और अभी लेमार काफी ज्यादा खुश है। ये तो बोल रहा है कि अगर फ्रैंकलिन और माइकल की टीम यहाँ पे नहीं आती तो सही में बेलास गैंग वाले इसको खत्म ही कर रहे थे, क्योंकि बेलास गैंग को ना हम लोग इतना ज्यादा परेशान करते हैं। मतलब ट्रेवर ने तो भाई उनकी हालत ही खराब कर रखी है। ट्रेवर का जब मन करता है ना उनको मारने चला जाता है, और यहाँ से हम लोग जा नहीं सकते यार, आगे से घूम के जाना होगा। मेरे को लगा हम लोग वहाँ से जाली तोड़कर जा सकते हैं, पर वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है तो अभी हम लोग को इधर से जाना पड़ेगा। फटाफट से लेमार को हम लोग यहाँ पे छोड़ते हैं, लेमार यहाँ से अपने घर चला जाएगा। और लेमार अभी थोड़ा संभल के रहना भाई, अभी तो हम लोगों ने तेरे को बचा लिया पर आगे तू सही तरीके से रहना। बाकी लेमार की हालत भी काफी खराब हो रही है, इसको काफी टॉर्चर किया है भाई बेलास गैंग ने। फिर कोई दिक्कत की बात नहीं है, अभी अपने घर पे जाके आराम करेगा। और तुम लोग यहाँ देख रहे हो फ्रैंकलिन से थोड़े पैसे वैसे मांग रहा था, मुझे लगता है कि कुछ टाइम के लिए अंडरग्राउंड होना चाहता है। कोई दिक्कत की बात नहीं यार, फ्रैंकलिन के पास पैसों की कोई कमी नहीं है, फ्रैंकलिन इसको थोड़े बहुत पैसे दे दिए, अभी जी आराम से जाके रहेगा, इसको कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी हमारे यहाँ से जा चुके हैं और अभी हमारा भी यहाँ पे काम हो गया। बाकी फ्रैंकलिन अभी अपने पुराने वाले घर में अपनी आंट के साथ रहने वाला है, क्योंकि काफी टाइम बाद वो यहाँ पे आया है। तो फटाफट से अंदर चलते हैं, फ्रैंकलिन अभी यहाँ पे आराम वगैरह करेगा। बाकी अभी हम लोग माइकल के साथ चलते हैं सीमियन के कार शोरूम पे, अभी तक माइकल की सुपर कार भी आ गई होगी। तो अभी हम लोग आ चुके हैं माइकल के पास और अभी अपना माइकल यार सिटी में आ चुके हैं और अभी मेरे पास यार सीमियन का कॉल भी आ चुका है। तो माइकल की सुपर कार आ चुकी है, बस हम लोग को चल के अपनी गाड़ी की डिलीवरी लेनी है। बाकी मैंने सीमियन को पेमेंट तो ऑनलाइन ही कर दिया था, नहीं तो यार वो मेरे को गाड़ी देने को तैयार नहीं हो रहा था। तो अभी मैंने उसको सारा पैसा वगैरह दे दिया है। बाकी फटाफट से चल के पहले गाड़ी उठाते हैं, उसके बाद मेरे को लेस्टर के पास जाके उसके इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट भी देने हैं, पर उससे पहले चल के यार अपनी सुपर कार ले लेते हैं। बहुत टाइम हो गया है माइकल ने कोई सुपर कार नहीं खरीदी है, माइकल के पास अभी एक बढ़िया सी सुपर कार आ जाएगी। तो अभी हम लोग सीमियन के कार शोरूम पे पहुंचने वाले हैं और फटाफट से चल के अपनी सुपर कार लेते हैं। बाकी माइकल काफी ज्यादा एक्साइटेड हो रहा है अपनी गाड़ी के लिए, क्योंकि माइकल की ना ये पहली सुपर कार है इस वाली सीरीज की। तो फटाफट से माइकल की फैमिली कार को यहाँ पे लगाते हैं और इस वाली गाड़ी को भी ना मैं मॉडिफाई करने की सोच रहा हूँ। इसके व्हील तो मॉडिफाई हो रखे हैं, बस कलर बढ़िया सा कराना है और इसकी बॉडी थोड़ी सी स्ट्रांग करानी है, एकदम मस्त हो जाएगी ये भी। बाकी फटाफट से सीमियन के पास चलते हैं और तुम लोग यहाँ देख रहे हो सीमियन अभी एयरपोर्ट से आ चुका है। फटाफट से इससे बात करते हैं और पता करते हैं कि यार मेरे लिए कौन सी गाड़ी मंगाई है। तो अभी मेरी सीमियन से यहाँ पे बातचीत हो गई और सीमियन बता रहे हैं कि यार माइकल की सुपर कार आ चुकी है और पीछे के साइड खड़ी है। तो मैंने इससे ब्रांड के बारे में पूछा तो ना वो लैम्बोर्गिनी है, ना बुगाटी है, ना ही फरारी है, कोई और सुपर कार है। तो फटाफट से चल के देखते हैं कि यार कौन सी गाड़ी है, क्योंकि इसने पैसे तो बहुत ज़्यादा लिए हैं, यहाँ पे तो कोई भी गाड़ी नहीं खड़ी है। गाइस तुम लोग यहाँ पे देख रहे हो ये रही अपनी सुपर कार, देख रहे हो कितनी ज्यादा प्यारी लग रही है यार ये। आप लोग मुझे कमेंट करके बताना कि इस कार का मतलब नेम क्या है, इसका ब्रांड कौन सा है। वैसे मुझे पता है आप में से सारे लोगों को पता है, तो जल्दी जल्दी इसे कमेंट करके बताओ कि ये गाड़ी कौन सी ब्रांड की है। बाकी है बहुत ज़्यादा प्यारी। सीमियन बोल रहा था कि यार ये वाली गाड़ी ना लैम्बोर्गिनी से कम नहीं है। वैसे मैं ना लैम्बोर्गिनी शियान के बारे में सोच रहा था, पर शियान अभी आ नहीं रही है, वो जैसे आ जाएगी हम लोग उसको भी खरीद लेंगे। बाकी लैम्बोर्गिनी एवेंटाडोर और टैर्जो थी, तो टैर्जो तो मैंने नहीं ली, पर ये तुम लोग देखो भाई बहुत ज़्यादा प्यारी है। तो गाड़ी आज से हमारी हो चुकी है, बिल वगैरह सीमियन मेरे को भेज देगा। फटाफट से हम लोग यहाँ से चलते हैं और जाते जाते इसका इंटीरियर तो देखना बनता है। तुम लोग यहाँ देखो भाई बहुत ज़्यादा पावरफुल गाड़ी है यार ये। तो फटाफट से यहाँ से निकालते हैं और भाई इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा है। बाकी जो हम लोगों ने सीमियन को चोरी की गाड़ी बेची थी, सीमियन ने वो गाड़ी भी खरीद ली है। तो सीमियन बोल रहे हैं कि माइकल को जब इस वाली गाड़ी की सर्विस करानी होगी या फिर रिपेयर कराना होगा तो सीमियन फ्री में कर देगा, क्योंकि ये गाड़ी बहुत महंगी है। तो भाई इसकी सर्विस भी बहुत महंगी होने वाली है। और तुम लोग यहाँ देखो सामने लॉस सांटोस की पब्लिक भाई फोटो खींच रही है माइकल की नई सुपर कार की, इन लोग को बहुत ही ज़्यादा सही लग रही है। आप लोग मुझे कमेंट करके बताना कि आप लोग को ये सुपर कार कैसी लगी। और स्पीड देख रहे हो इसकी भाई, बिना मॉडिफाई कराए इसकी स्पीड इतनी ज़्यादा है। तो सोचो जब ये मॉडिफाई हो जाएगी
तो क्या ही इसकी स्पीड होगी भाई, बहुत जबरदस्त सुपर कार है। फाइनली माइकल ने अपनी फर्स्ट सुपर कार खरीद ली है और अभी तो शुरुआत हुई यार, अभी तो बहुत सारी सुपर कार लेनी है और भी बहुत ज्यादा कुछ खरीदना है। बाकी फटाफट से हम लोग यहाँ से निकलते हैं और सीधे चलते हैं लेस्टर के पास, और जाते जाते अपनी गाड़ी की टॉप स्पीड भी एक बार चेक कर लेंगे। तुम लोग यहाँ देख रहे हो गाइस, सिटी के अंदर ये 300 पहुंचने वाली है भाई। ये गाड़ी नहीं है भाई, ये तबाही की मशीन है, बहुत खतरनाक है। इतने ट्रैफिक में इसको चलाना बहुत मुश्किल है, तो मुझे इस गाड़ी को आराम से चलाना पड़ेगा। बाकी ऊपर से राइट लेके सीधे पहले लेस्टर के घर चलते हैं, लेस्टर को उसके डॉक्यूमेंट देते हैं, क्योंकि वो बार बार यार मेरे को कॉल कर रहे हैं अपने डॉक्यूमेंट के लिए। बाकी यार इस वाले वीडियो को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आप लोग को पसंद आए, अगर पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक शुरू कर देना, कमेंट करके आज जरूर बताना कि आप लोग को माइकल की ये वाली सुपर कार कैसी लगी। बाकी मैं आप लोगों से मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।